कौन जीतेगा आज? भारत, इंडिया, भारत, 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 बिल्कुल। हम भारत के आदमी हैं, भारत ही जीतेगा, पाकिस्तान थोड़ी जीतेगा यहाँ। अच्छा ये बताइए, भारत तो जीतेगा पर जो पाकिस्तान के जो क्रिकेट प्रेमी लोग हैं वो टीवी फोड़ देते हैं हमेशा। अब वो अपना नुकसान करेंगे, वो हारेंगे तो फोड़ेंगे ही, वो हारेंगे तो फोड़ा वो टीवी फोड़ेंगे। कोई चीज में जीतते ही नहीं, वो किसी चीज में लड़ाई में कुछ भी नहीं जीतता, वो खाली बातें बनाता है, इसलिए हारता है हमेशा, हारने का आदत है। हमारी टीम में से, इंडियन टीम में से कौन सा खिलाड़ी जो आपको बहुत अच्छा लगता है? बढ़िया है, रोहित भी बढ़िया है और कोहली भी बढ़िया है, ये सब। हाँ, पाकिस्तान के जो, अच्छा पाकिस्तान के जो खिलाड़ी के जो प्रेमी है, मतलब जो क्रिकेट पसंद करने वाले लोग हैं, वो ज्यादातर टीवियों का या फिर अपनी चीजों का नुकसान करते हैं पाकिस्तान की टीम के हार जाने पर। क्या राय दोगे, क्या सलाह दोगे उन लोगों के लिए? मैं क्या सलाह दूँ, ये तो क्रिकेट मैच है, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। मैच को मैच की तरह लें, टीवी ना फोड़े, क्या कहेंगे उनके? अब उनके लिए क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि अपना वो नुकसान खुद ही करते हैं, पाकिस्तानी जो है वो मैच हारने के बाद अपना नुकसान खुद करते हैं, मतलब जो भी उनके फैंस हैं। मैच देखते हैं? नहीं देखता हूँ मैच। नहीं जानते टीम इंडिया? जानता हूँ, देखता नहीं हूँ मैच। आज अगर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में मैच है T20 का, क्या चाहते हैं आप? अपना हिंदुस्तान जीतना चाहिए, और क्या चाहते हैं? बिल्कुल। पाकिस्तान के जो लोग टीवी फोड़ते हैं उनके लिए क्या सलाह देंगे? वो टीवी का कुछ भी फोड़े, उससे तो मतलब नहीं है हमें, कोई कोई दिक्कत नहीं उनसे। ये कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं जो वो अनफिट हैं, और अब उनके ही जो शहीद अफरीदी वो कह रहे हैं कि हम टीम इंडिया से पीछे हैं, मतलब मैच हुआ नहीं है, पाकिस्तान की टीम पहले से हार मान रही है। ऐसा तो कुछ नहीं है भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है, अभी पाकिस्तान की टीम हार मान रही है। हार मान रही है, मैंने तो नहीं सुना। पड़ेगा बिहार के लगा दो, सब हार जाएगा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज 2020 का मैच शुरू होने जा रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो अपने यूथ से पूछते हैं जो क्रिकेट के दीवाने हैं, चीज़ों को लेकर क्या सोचते हैं आज मैच होने वाला है पाकिस्तान और भारत का, क्या कहेंगे? बस यही कहूँगा कि टुडे इंडिया इज़ विन, तो डेफिनेटली तो पाकिस्तान वाले अगेन ट्राई करिए टीवी तोड़ने का अपना, दिवाली वैसे ही ऑफर इज़ मच बेटर फॉर यू, थैंक्स। लगातार प्रयास किया जाता है, कहते जानबूझ के टीम हार गई है, क्या कहेंगे इसके लिए? ऐसा कुछ नहीं है कि जानबूझ के टीम हारी है, टीम का हारना ही लिखा होता है, आई एम सॉरी फॉर दैट, यस टीम का हारना ही लिखा होता है, आई एम सॉरी फॉर दैट। पाकिस्तान इंडिया के लिए क्या कहेंगे? टीम इंडिया इज मच बेटर फॉर नाउ, व्हाट इज एवरीथिंग इज गोइंग ऑन टीम इंडिया एंड सपोर्ट, कीप इट अप, कीप इट अप। और भी लोग हैं यहाँ पे, भैया जूस बना रहे हैं, इनके आसपास से लोगों से पूछते हैं, भैया पाकिस्तान और इंडिया का मैच होने वाला है आज T20, क्या कहोगे? क्या बताऊं मैं, है पाकिस्तान के साथ मैच हो रहा है हमारी टीम का, बताएंगे? चलिए आप बताइए। हाँ, ये मैच होना चाहिए, हम आज T20 है। हाँ तो अच्छी बात है, इससे सौहार्द बढ़ेगा और क्या, मतलब जो तनाव है कम होगा, तनाव कम होगा। हाँ बिल्कुल। पाकिस्तान के लिए क्या कहोगे, पाकिस्तान की टीम? पाकिस्तान ठीक है, पाकिस्तान का जनता अपना ठीक है, पाकिस्तान की जनता के लिए क्या कहना है, वो तो बहुत अच्छे हैं। अगर लगातार जिस तरीके से टीवियाँ टूटते हैं उसको लेकर सवाल है कि आजकल ज्यादा टीवियाँ तोड़े, क्या सवाल है, ये प्रतिस्पर्धा का चीज है, ये होना चाहिए, लगातार जारी रहना चाहिए, इस बिल्कुल। टीम इंडिया के लिए क्या कहोगे? जो जीते हम लोग सब में ताली बजाएंगे, ये तो प्रतिस्पर्धा, ये तो खेल है ना, खेल में क्या है, जो जीतेंगे, जो जीते हाँ उसके लिए। इंडिया के लिए कुछ खास नहीं? कोई खास नहीं, जब टीम इंडिया जीतेगी तो भी बढ़िया, और पाकिस्तान जीते तो भी बढ़िया। उन्होंने तो कह दिया कि दोनों जो टीमें जीते हैं वो बढ़िया हैं, यहाँ और युवा हैं जो हमारे साथ खड़े हैं, सुनिए भाई सब, सुनिए मैच देखते हैं। हाँ जी, आज T20 का मैच है भारत पाकिस्तान का, क्या कहोगे? इंडिया जीत जाए। हाँ, चांस ज़्यादा पसंद है आपको टीम इंडिया? इंडिया में विराट है, ईशान किशन आजकल बहुत अच्छी फॉर्म में, KL राहुल काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। तो आज T20 का मैच होने वाला है, पाकिस्तान की टीवियों के लिए क्या कहोगे, लोगों के लिए क्या कहोगे? क्या पाकिस्तान की टीवियों के लिए? हाँ, हम बच जाएँ तो अच्छा है, क्यों नुकसान हम चाहें किसी का। टीम इंडिया के लिए क्या कहोगे? टीम इंडिया बस ऑल द बेस्ट, जीत जाए। टीम इंडिया, आप बताइए क्या नाम है? जय। जय, मुझे ये बताओ आज T20 का मैच हो रहा है भारत पाकिस्तान के बीच में, क्या कहें? सही बात बोलूं, कोई आइडिया नहीं मेरे को, अभी पता चला आप ही से। अभी पता चला जी। चलिए आप बताइए, आप मैच देखते हैं? मैच ही नहीं देखते? इंडिया जीत जाए मैं चाहता हूं। इंडिया जीत जाते हैं और पाकिस्तान? पाकिस्तान ना जी, पाकिस्तान ना जीते, विड्रॉ हो जाए, ड्रॉ हो जाए मैच। चलिए आपने कह दिया मैच ड्रॉ, मैच देखते हो जी? आज भारत पाकिस्तान का मैच होने वाला, क्या होगा? अरे इसमें तो आज इंडिया की जीत होगी। इंडिया की जीत होगी? ओके ओके एकदम। हाँ ओके ओके जी। जज्बात तो नहीं बदल जाएंगे पाकिस्तान वालों के?
ना 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 ना, इंडिया की जीत होगी इसमें तो। इंडिया की जीत होगी। ओके मैम, क्या कहोगे उनकी टीम के लिए जो बार बार अभी पिछले साल जब मैच हुआ था तो ये कहा गया था कि नहीं मैच तैयार ही नहीं कर रहे थे पाकिस्तान के खिलाड़ी। ना ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इंडिया पूरी तैयारी के साथ गया है और जीत के ही आएगा। अपनी टीम पे क्या कहेगी अपनी टीम के लिए? अपनी टीम जीतना ही चाहिए और क्या है, जीतना चाहिए। ओके, अपनी टीम जीतनी चाहिए। क्या कहेंगे? अपना भारत जीतेगा, हिंदुस्तान, हाँ जी, और हमेशा जीतेगा। पाकिस्तान को हमेशा जीतता पाकिस्तान, तो और हमेशा जीतेगा पाकिस्तान, जीतेगा या इंडिया जीतेगा? इंडिया अपना भारत जीतेगा हमेशा, भारत मान है मेरा, भारत मान है जी। क्या कहेंगे टीम इंडिया के लिए? टीम इंडिया हमेशा अपना जो जितने भी खिलाड़ी है मेरे हमेशा खुश रहेंगे और हमेशा जवान है। हाँ, और पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ी? पाकिस्तान खत्म है, बिल्कुल खत्म टीम है जी। और बार बार टीवी क्यों फोड़ते हैं पाकिस्तान वाले? क्योंकि पाकिस्तान मुर्दाबाद रहेगा और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। अच्छा। जी टीम को लेकर क्या कहेंगे, किस तरीके से टीम? टीम में बहुत सहनशील है और मेरा हमेशा जितने भारतीय नागरिक है, जो मेरे जो वो है जितने भी खिलाड़ी धोनी वगैरह जो भी हमारे विराट कोहली कप्तान है, ठीक है, हमेशा खुशी रहेंगे और हमेशा उनके अंदर खून है और यहाँ नौजवान है और हमेशा ये जितने पाकिस्तान के खिलाड़ी है खत्म है, बिल्कुल मुँह पे कह रहा हूँ जी। बार बार पे टीवी के लिए क्या कहेंगे? बार बार पे कहते हैं देखो इनके बस की कुछ है नहीं तो टीवी फोड़ेंगे वो, और हिंदुस्तान के अंदर सब कुछ है तो हिंदुस्तान अपने साथ ही है, ठीक है, ये पाकिस्तान है खत्म है बिल्कुल। हाँ। और इनके बस की कुछ नहीं है, इसलिए टीवी फोड़ेंगे, जब हारेंगे वो तभी टीवी फोड़ेंगे, और अपना हिंदुस्तान है तो हमेशा हिंदुस्तान जवान। मेरा राजश्याम है। अच्छा, राजश्याम ने कहा कि पाकिस्तान के अगर हार, अच्छा पूरा श्योर है कि भारत जीतेगा आज? भारत जीतेगा, 100% जीतेगा, 100% बता दूं आपको। पाकिस्तान की टीम? पाकिस्तान की हमेशा हारती है और आज भी हारेगी और बहुत बुरी तरह से हारेगी। हाँ जी, हाँ जी, टीम इंडिया के लिए शुभकामनाएं। शुभकामनाएं मेरी, भगवान मेरा अपना हिंदुस्तान है, अपना टीम इंडिया नहीं है, मेरा हिंदुस्तान के नागरिक है जी। हिंदुस्तान है और भी लोग हैं भैया, आप चौमिन बना रहे हो, आप मुझे बता दो मैच देखते हो आप? नहीं देखते मैडम। क्यों नहीं देखते भैया? टाइम ही रहता, हमारे पास काम ही रहता है। फिर भी अगर आज मैच हो रहा है तो क्या चाहते हो आप, कौन सी टीम जीतनी चाहिए? इंडिया जीत जाए। क्या कहोगे हमारी टीम खेल रहे हो, क्या बताओ कौन सी टीम जीतनी चाहिए आज, भारत पाकिस्तान? इंडिया जीतनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल जीतनी चाहिए जी। क्या कहोगे और टीमों के लिए जिस तरीके से आज मैच हो रहा है, ये ना तनाव कम होगा, चीजें कम होंगी, कौन सी टीम जीतनी? क्या कहें, तो पाकिस्तान तो इंडिया जीतेगी जीतेगी। हाँ। इंडिया कौन हरा देगा ये बता। हाँ। है ना, इंडिया को अभी तक हरा नहीं पा, अब क्या हरा देगा? कभी नहीं हरा सकती है पाकिस्तान, तो कुछ छोटी जगह। तो बोलती थी, अब क्या बोलूं? पाकिस्तान की टीम के लिए क्या कहोगे? वो सब दिन हारा फिर हारेगा, फिर हारेगा। और क्या, ये हारने पर टीवी फोड़ देते हैं, ये मुझे इतना पता ना है। हाँ? अरे हम पीने खाने वाले आदमी, भैया हमारे फौजी हवे इता हिंदुस्तान के। इंडिया परमात्मा करे टीम इंडिया जीते और आगे बढ़े। हाँ, पाकिस्तान कह रहा है, पाकिस्तान, पाकिस्तान कहाँ जीतेगा, इंडिया का के ना और खलबली मच जाएगी उनके प्रधानमंत्री में। और क्या, जब भारत जब जीतेगा तो इसे खलबली मच जाएगा, मची रहा है खलबली, जहाँ मोदी और योगी और सब लोग हैं, और भारत के जो ये विराट कोहली है और ये सब लोग हैं, जब इनके सामने तो इसे ध्वस्त हो जाते हैं। हाँ। तो भारत के आगे कहाँ चल पाएंगे? अच्छा, कुछ लोग जो शिकायत करते हैं पाकिस्तान के, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की टीम रेडी नहीं रहती मैच के लिए, खाते पीते रहते हैं, फिट नहीं रहते। लोगों का कहना है, पाकिस्तान की टीम के लिए कहते हैं। अरे जो कहते हैं उनको कहना है, तो ये तो दुनिया है, तो कुछ कोई कुछ कहेगा, कुछ कुछ कहेगा। हाँ। ये तो दुनिया है, दुनिया का आगे तो भाई कोई सबका 36 लोग बात करते हैं। शुभकामनाएं टीवी के लिए, उनको भी अच्छी बात है कि ये खबर वहाँ तक पहुँचाते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद है हिंदुस्तान अपना। अभी तो कोई अनुमान नहीं है, मगर इंडिया ही जीतेगी। यस। कौन सा क्रिकेट का खिलाड़ी जो आपका फेवरेट है? धोनी। धोनी फेवरेट है। हाँ। अच्छा, किसकी टीवियां फूट सकती हैं आज? पाकिस्तान का। मोहम्मद शमीम। मोहम्मद जी, ये बताइए आप मैच देखते हैं? मैच तो देखते हैं। आज T20 है भारत पाकिस्तान के बीच। हाँ जी, हाँ जी। हैं, क्या चाहते हो, कौन सी टीम जीतेगी, क्या लग रहा है? भारत जीतेगी। भारत जीतेगी। हाँ जी। कौन सा क्रिकेट का प्लेयर है जो इंडियन टीम में से, कौन सा खिलाड़ी आपका पसंदीदा है? हमको। हाँ। ऋषि पंत। कौन सा? ऋषि पंत। ऋषि पंत फेवरेट है आपके? तो क्या लग रहा है आपको कि किस तरीके की परफॉर्मेंस रहेगी हमारी टीम इंडिया की? अच्छा रहेगी आज। थोड़ा सा बोल दीजिए। सही रहेगा आज परफॉर्मेंस अच्छा होगा।
टीवीयां किसके देश में फूटने वाली हैं फिर? टीवी हाँ। टीवी जो हारेगी उसको फूटेगा। क्या लग रहा है कौन हारेगा? हारेगा पाकिस्तान, हारेगा पाकिस्तान। हाँ जी हाँ जी पाकिस्तान हारेगा। तो कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि इस बार तो पाकिस्तान जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। ठीक है, आपका वोट किसके साथ, आप क्या चाहते हो? मैं हिंदुस्तान के पीछे। हाँ हाँ शमीम जी ने कहा। नाम शकील अहमद है। शकील जी ये बताइए मैच देखते हैं आप? नहीं मैं नहीं देखता। क्रिकेट मैच नहीं देखता हूँ। आप बताइए क्रिकेट मैच देखते हैं? अरे मुझे पता ही नहीं है क्रिकेट होता क्या। क्रिकेट नहीं पता ना? अरे मैंने देखा ही नहीं आज तक। सचिन तेंदुलकर को नहीं जानते? उसको तो दुनिया जानती है। काम करे वाले कहा जाने? नहीं फिर भी अच्छा क्या सलाह देंगे पाकिस्तानी प्लेयर्स को और जो उनके चाहने वाले हैं कि इस बार टीवी ना फोड़े कुछ और फोड़ दें, क्योंकि टीवी बड़े महंगे आते हैं। रहेंगे टीवी की जगह क्यों भाई? ज्यादातर टीवी फोड़े जाते हैं। भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा, खराब खून बाहर हो जाएगा तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। हिंदुस्तान के पास एक ही हथियार है, आओ बैठ के बातचीत करते हैं। और इस बार क्लियर हो जाना चाहिए कि अब पाकिस्तान में कितना हिस्सा रहेगा और हिंदुस्तान में कितना हिस्सा रहेगा। मैच की भाई साहब बात करें तो क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी? मैच तो ओवरऑल चाहे कोई भी जीते, लेकिन हमारा तो सपोर्ट एक ही जगह जाता है, वी आर ऑल्सो इंडियन, सो वी आर प्राउड ऑल्सो कि वी हैव अ कम्युनिटी ऑफ द इंडिया, सो आई एम आफ्टर ऑल इंडियंस, आई एम प्राउड ऑफ माई इंडिया। कौन से खिलाड़ी पर आपको ज्यादा फख्र होता है टीम इंडिया? हमें हर खिलाड़ी पे फख्र है और उससे इतनी ही मोहब्बत है जैसे कि हम एक अपने भाईचारे में रहते हैं। लेकिन खेल की बात करें तो खेल में हमारा जो सबसे स्पेशलिस्ट अगर इस समय बात की जाए तो वो विराट कोहली है, और उसका एक खेलने का जो अलग तरीका है वो इतना अच्छा है जो कि सचिन तेंदुलकर के हिसाब में ही खेलता है वो, और अभी तक का जो उसका रहा है कि ओवरऑल वो बहुत ही अच्छा रहा है और आशा करता हूं कि आगे भी वो ऐसा ही करता रहेगा। चलिए ये बताइए, आपने कह दिया कि हमारी टीम इंडिया जीतेगी, अगर पाकिस्तान हारता है वहाँ पे जो टीवियाँ फूटती हैं क्या राय दोगे उन लोगों के, क्या सलाह दोगे कि टीवी फोड़ें क्या फोड़ें क्या? टीवी फोड़ने के अलावा सब कुछ फोड़िए भाई साहब, अगर टीवी फोड़ेंगे घर में नुकसान होगा, वैसे ही आपके यहाँ पर हर चीज़ की कमी है, पैसे की कमी है, रूल एंड रेगुलेशन की कमी है, आपके यहाँ पर एक चीज़ ऐसी नहीं है जो कि पूरी हो, सब्सिडी पर आप जी रहे हैं, आर्मी तब आपकी सब्सिडी पे चल रही है, तो उन पैसों को बचा करके रखिए, टीवी में वेस्ट ना कीजिए, आगे काम आने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान का जो हिस्सा जिस पे आज बोल रहे हैं कि वो इंडिया का है, या इंडिया का हिस्सा जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में आना चाहिए, वो कल की डेट में जैसे हमारे यहाँ से कश्मीर वाला मुद्दा जैसे हल होगा ऐसे ही उसे भी हल कर देंगे। अब जो आज़ाद कश्मीर के लिए वो कहते हैं वो चीज़ अब हिंदुस्तान में आने वाली है।